देखिए ये सैमसंग की एलसीडी है, इसमें फॉल्ट क्या है, बैकलाइट नहीं जल रहा है, तो ये कारण क्या है। देखिए ये एक और ये दो और ये तीन, ये तीनों चौपार शॉर्ट है, इसलिए ये बैकलाइट नहीं जल रहा है। तो मार्केट में नहीं मिला ये ट्रांसफार्मर, इसी कारण मैंने ठीक किया है कि इस एलसीडी को एलईडी में कन्वर्ट किया जाए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको एलईडी में कन्वर्ट किया जाए। पहले मैंने इस मदरबोर्ड को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। अब इस इन्वर्टर बोर्ड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको खोल लेता हूँ, मैंने खोल लिया है। देखिए अब बहुत ही सावधानी से इस पैनल को खोलना पड़ेगा। अब इसको खोलना है। मैंने इस वीडियो को फास्ट कर दिया क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए पहले इसको खोल लेता हूँ। आप इस पेपर को उठाना है, देखिए इसमें CCFL ट्यूब लगा हुआ है। पहले इसको खोलना है। इस CCFL को बहुत ही सावधानी से उठाना है क्योंकि ये दूसरे सेट में लग जाएगा। अब हम इस LED स्ट्रिप को इसमें सेट करेंगे। तो पहले हम इस LED स्ट्रिप में बैक साइड में बोथ साइड टेप लगाएंगे क्योंकि ये बॉडी में चिपकाना है। यहाँ चिपकाना पड़ेगा। हाँ देखिए यह चिपक गया। अब इसको भी पहले जैसा काम करना है। Thank you.
अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। देखिए हाँ ये पॉजिटिव है, हाँ देखिए सही है, 5 LED सही से जल रहा है। सेकंड स्ट्रीम में देखिए हाँ यह भी सही है, हाँ देखिए यहाँ सही है। अब हम इस LED को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। ये सीरीज कनेक्शन होता है, नेगेटिव है ये, और ये पॉजिटिव को हम उधर से सोल्डरिंग कर देंगे। पहले हम इसको घुमा लेता हूँ, अब हम सोल्डरिंग कर देंगे इधर, ये पॉजिटिव है। अब हम इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे सारे LED जल रहा है या नहीं। हाँ देखिए सारे LED जल गया, मेरा काम से हो गया इधर। अब हम इसको फिर से सेटिंग कर देंगे। ये काम बहुत ही सावधानी से करना है। आप पैनल को बहुत ही केयरफुली इसको सेट करना है। यहाँ तक मेरा काम पूरा हो गया। अब LED ड्राइवर बोर्ड को सेट करना है, तो पहले हम स्टिकर में स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिए। देखिए ये LED ड्राइवर बोर्ड है, इसमें इनपुट 12 वोल्ट से 25 वोल्ट है और आउटपुट में देखिए 35 वोल्ट से 85 वोल्ट तक होता है। तो आज हम इस LED ड्राइवर को यूज़ करेंगे। इधर देखिए, इधर ये जो 3 नंबर पिन है वायर, ये BL ऑन का है और ये BL और ये ग्राउंड है और ये 24 वोल्ट का पॉइंट है। तो अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव 24 वोल्ट है और ये नेगेटिव, इसको सोल्डरिंग करना है। और ये BL ऑन है, तो यहाँ तक सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गया।
देखिए मैंने कैसे ये वायर को कनेक्ट किया है, ठीक से देखिए। जो ब्लू वायर है ये 24 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, और देखिए ये एलईडी ड्राइवर आउटपुट है। जो अंदर में एलईडी लगा हुआ है उसका कनेक्शन है। देखिए मैंने इस तरह इंस्टॉल कर दिया। ये इन्वर्टर बोर्ड ख़राब है, इसलिए इस इन्वर्टर बोर्ड की जगह पर मैंने ये एलईडी ड्राइवर को यूज़ किया है। इधर इनपुट सप्लाई देखिए, 12 वोल्ट से 25 वोल्ट तक इनपुट होगा, और आउटपुट में देखिए 35 वोल्ट से 85 वोल्ट तक आउटपुट होगा। और देखिए ये 25 वोल्ट का पॉइंट है, और ये ग्राउंड है, और मिडिल में देखिए BL ऑन है, ये BL ऑन का पिन है, और ये LED ड्राइवर आउटपुट है। तो आप पावर देके देखेंगे, पावर को कनेक्ट कर दिया। देखिए हाँ, देखिए बैकलाइट आ गया, देखिए ये बैकलाइट जल गया। तो पिक्चर आया है नहीं देखना है तो पिक्चर आया है, देखिए हाँ देखिए डिस्प्ले आ गया। देखिए आप इसमें एक बार सिग्नल देके देखेंगे, सिग्नल देंगे, अब सिग्नल दे दिया। देखिए ये साउंड का है, हाँ देखिए देखिए पिक्चर सही हो गया, सही से बैकलाइट आ गया। देखिए पिक्चर सही से आ रहा है, देखिए बैकलाइट पूरा ओके हो गया। तो इसी तरह किसी भी LCD को LED में कन्वर्ट किया जा सकता है।